जिस प्रकार से प्रियंका गांधी ने सर्वे कराया है, उस सर्वे के अनुसार कांगड़ा से बाली और हमीरपुर से मुकेश अग्निहोत्री पर केंद्रीय हाईकमान दांव खेल सकता है। हालांकि मुकेश अग्निहोत्री की बेटी पर भी पहले ये चर्चा हो रही थी। हाईकमान चाहता था कि आस्था अग्निहोत्री वहां से चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से अपना पक्ष रखा, जिस प्रकार की पारिवारिक परिस्थितियां हैं, वह चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं है। लेकिन यहां पर प्रियंका गांधी का सर्वे मानता है, केंद्रीय हाईकमान का सर्वे मानता है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को चुनावी रण में कोई पटकनी दे सकता है, कोई शिकस्त दे सकता है। वह खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री है। जाहिर तौर पर कांग्रेस ने यह लोकसभा और विधानसभा का उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बनाया है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद अपने समर्थकों से ये कह चुके हैं कि जरूरत पड़ी तो एक विधानसभा सीट से वह खुद भी चुनाव लड़ लेंगे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कई बार ये बात दोहराई है कि भाजपा ने जिस प्रकार से कांग्रेस में सेंधमारी की, एक असफल लोटस ऑपरेशन करने का प्रयास किया, कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा, उसके बाद सीएम सुक्खू पूरी तरह से गुस्से में है, नाराज हैं, खफा हैं, और इसी नाराजगी के चलते उन्होंने ये प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का हवाला देते हुए जनता के बीच जाएंगे और जितने भी भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के 6 बागी शामिल हुए हैं जिन्हें चुनावी रण में भाजपा ने उतारा है, उन सभी को हराया जाएगा। और इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो सीएम सुक्खू अपने कार्यकर्ताओं से कह चुके हैं, या बड़सर से चुनाव लड़ना पड़े या फिर सुजानपुर से चुनाव लड़ना पड़े, मैं खुद भी चुनाव लड़ सकता हूं अगर जरूरत पड़ी तो। यही वजह है कि लोकसभा की चारों सीटों पर सशक्त कैंडिडेट देने के लिए यहां पर प्रियंका गांधी के सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार कांगड़ा में आरएस बाली एक जिताऊ प्रत्याशी कांग्रेस के नजरिए से हो सकते हैं, जबकि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से अनुराग ठाकुर को मुकेश अग्निहोत्री पटकनी दे सकते हैं। यह कांग्रेस के सर्वे का खुलासा है। यही वजह है कि प्रियंका गांधी ने वहां पर जिस प्रकार से सतपाल रायजादा का नाम चल रहा था उसे रखवा दिया, आशा कुमारी का नाम चल रहा था कांगड़ा से रखवा दिया, और अब प्रियंका गांधी चाहती है कि सर्वे रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राजीव शुक्ला, हिमाचल देश के ये प्रमुख जो संगठन से और सरकार से जुड़े लोग हैं चर्चा करें। इसके बाद प्रियंका गांधी ने ये निर्देश दिए हैं कि जरूरत पड़ी तो एक सर्वे 27 तारीख से पहले फिर हमीरपुर और कांगड़ा को करवाया जाएगा। विधानसभा उपचुनाव की 3 सीटों की बात की जाए तो धर्मशाला से जग्गी, कुटलहर से विवेक शर्मा बिक्की और लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा टिकट की रेस में सबसे आगे है। बावजूद इसके वहां पर कांग्रेस पूरी तरह से फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है, लेकिन सुजानपुर, गगरेट और बड़सर 3 ऐसे विधानसभा सीट हैं जिस पर सस्पेंस पूरी तरह से बरकरार है। यानी कांग्रेस भी तय नहीं कर पा रही है कि हम यहां 3 सीटों पर टिकट किसको दें, चाहे बड़सर का मसला हो, क्योंकि जिस प्रकार की छवि इंद्रदत्त लखनपाल की रही है, 3 बार वहां से लगातार जीत कर आए हैं, माना जाता है कि एक सराफत वाला नेता भी इंद्रदत्त लखनपाल को माना गया था, उन्होंने कांग्रेस की एक वहां पर मजबूत कड़ी वहां पर जोड़ी थी, लेकिन जिस प्रकार से अंतिम क्षण में चुनाव जीतने के 1.25 साल के भीतर पार्टी को छोड़कर वे कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, ये ना केवल कांग्रेस को नागवार गुजरा बल्कि जो इंद्रदत्त लखनपाल के ग्रास रूट से जुड़े समर्थक थे उनको भी ये बात रास नहीं आई। यही वजह है कि अब कांग्रेस वहां से इंद्रदत्त लखनपाल को पटकनी देना चाहती है, लेकिन पटकनी दें तो दें कैसे, क्योंकि दावेदार के या चाहे सुभाष डटवालिया हो, विपिन डटवालिया हो, नरेश लखनपाल हो, या फिर किशन चंद हो, मनजीत डोगरा हो, या बनियाल हो, कई नाम बड़सर से आ रहे हैं, जितने पार्टी के कार्यकर्ता हैं उतने ही वहां पर टिकट के दावेदार सामने आ रहे हैं। नाम वहां पर संजीव शर्मा का भी चर्चा में हुआ, लेकिन एक मत कांग्रेस में यह बन रहा कि भारतीय जनता पार्टी से आए किसी भी नेता को टिकट ना दिया जाए, क्योंकि हमारे नेता वहां जाते उनको भाजपा टिकट देती है, अगर हम भाजपा से आने वालों को टिकट देते हैं फिर भाजपा और कांग्रेस में क्या अंतर रह जाएगा। लेकिन सस्पेंस बड़सर में बना हुआ है, सुजानपुर में बना हुआ है, सुजानपुर के साथ साथ तीसरा बड़ा सस्पेंस गगरेट में बना हुआ है, टिकट किसको दी जाए। मजबूत कालिया जरूर है, लेकिन वे पार्टी को छोड़कर चले गए थे, बगावत कर ली थी, लेकिन बिक्कू का नाम बिल्कुल आगे है और ये माना जा रहा है कि लगभग विवेक शर्मा की टिकट पर ठप्पा लग सकता है, जग्गी को धर्मशाला से टिकट मिल सकता है, अनुराधा राणा को लाहौल स्पीति से टिकट मिल सकता है। लेकिन अभी तक ये स्क्रीनिंग कमेटी को पैनल भेजा जाएगा, 27-28 को जो मीटिंग होनी है केंद्रीय चुनाव समिति की, उसका ठप्पा लगने के बाद वेणुगोपाल के हस्ताक्षर वाला टिकट बाकायदा जारी होगा। लेकिन ये स्पष्ट हो गया है कि हमीरपुर से जिताऊ चेहरा वहां से मुकेश अग्निहोत्री हो सकते हैं, जो पार्टी का सर्वे यहां पर खुलासा जो केंद्रीय हाईकमान ने किया है, आरएस बाली कांगड़ा से हो सकते हैं, जबकि जग्गी, विवेक शर्मा, अनुराधा राणा ये टिकट की रेस में 3 सीटों पर आ गए हैं, लाहौल स्पीति और साथ में
कुटलहैड और धर्मशाला, लेकिन बरसर, सुजानपुर और गगरेट तीनों जगह सस्पेंस है। यहाँ पर ना कांग्रेस हाईकमान तय कर पा रहा, ना हिमाचल प्रदेश की संगठन तय कर पा रहा है, ना सरकार तय कर पा रही है कि किन मजबूत चेहरों को उतारा जाए ताकि सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, इन तीनों दिग्गजों को पटकनी दी जा सके। बहरहाल सीएम सुक्खू ने आज दिल्ली रवाना होने से पहले गग्गल एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी जल्द टिकट घोषित कर देगी। दिल्ली रवानगी से पहले गग्गल एयरपोर्ट पर सीधे मीडिया से रूबरू हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि हमीरपुर और कांगड़ा लोकसभा सीट और 6 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस पार्टी जल्द घोषित कर दिए जाएंगे, इस पर मंथन चल रहा है। सीएम ने कहा कि भाजपा की ओर से बागी विधायकों को टिकट देकर लोकतंत्र की हत्या करने व पैसों के दम पर सत्ता हथियाने की कोशिश की गई है। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग आज एक और बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर हुई, टिकटों के अलावा आज हिमाचल प्रदेश का अगला डीजीपी कौन होगा इसे लेकर केंद्र सरकार के यूपीएससी की तरफ से बाकायदा, जिसमें केंद्रीय गृह सचिव मौजूद थे, आज स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई। यूपीएससी की इस मीटिंग में प्रदेश सरकार ने संभावित डीजीपी को लेकर भेजे गए पैनल की स्क्रीनिंग की। इस आधार पर हिमाचल में नए डीजीपी की पात्रता जांची गई। स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग के लिए बाकायदा हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रभोज सक्सेना भी दिल्ली में मौजूद रहे। और सीनियरिटी के हिसाब से 1980 बैच की आईपीएस एसआर ओझा का नाम सबसे आगे, एसआर ओझा के बाद सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर 1990 बैच के श्याम भगत नेगी है, लेकिन केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं। उनके आने की संभावना यहां पर तभी बनती है जब उनको हिमाचल प्रदेश सरकार बुलावा भेजे कि आइए आपको डीजीपी बनाने वाले हैं, आप वापिस आइए। लेकिन यहां पर जिस प्रकार से चुनाव आचार संहिता है, माना यह जा रहा है कि ये गेंद अब केंद्रीय चुनाव आयोग के पाले में भी होगी। लेकिन तीसरे नंबर पर 1991 बैच के डॉक्टर अतुल वर्मा यहां पर तीसरे नंबर पर हैं। लेकिन पूरे मामले में जिस प्रकार से दिल्ली में स्क्रीनिंग हुई है या संभावनाएं दिख रही हैं, उन संभावनाओं के चलते संजीव रंजन ओझा यानी एसआर ओझा हिमाचल पुलिस के नए बॉस बन सकते हैं, क्योंकि 30 अप्रैल को संजय कुंडू रिटायर होंगे, 1 मई को हिमाचल प्रदेश को नया डीजीपी बनेगा मिलेगा और ये डीजीपी एसआर ओझा हो सकते हैं। बहरहाल कंगना रनौत आज राजस्थान में थी, उनके 3 बड़े शो हुए और तीनों रोड शो में कंगना रनौत ने खूब भीड़ खींची। चुनाव प्रचार के लिए उन्हें बाकायदा राजस्थान की भाजपा ने बुलाया था। कंगना रनौत ने पश्चिमी राजस्थान में भीड़ काफ़ी संख्या में भीड़ जुटाई। कंगना जोधपुर और पाली में 2 रोड शो उन्होंने दोपहर से पहले किए, दोपहर बाद तीसरा रोड शो जैसलमेर में आयोजित किया। वे भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थन में रोड शो करने के लिए जैसलमेर भी पहुंची हैं। उसके बाद चौथा रोड शो बाड़मेर में होगा, यानी हिमाचल प्रदेश के मंडी से उतारी गई कंगना रनौत को अब राजस्थान में स्टार प्रचारक के रूप में भूमिका दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस प्रकार से काफ़ी संख्या, काफ़ी भीड़ वहां पर जुटी है उनके समर्थन में, उन्हें देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, अब ये माना जा रहा है कि दूसरे प्रदेशों में जिसमें उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है या फिर छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वहां भी कंगना रनौत की डिमांड बढ़ने लगी है कि वे चुनाव प्रचार के लिए आएँ और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो और जनसभाएं करें। हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों के लिए अच्छी खबर है। सेब पैकिंग के लिए सीजन में यूनिवर्सल कार्टन के लिए लास्ट अंतिम नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। प्रदेश सरकार ने इस सेब सीजन से यूनिवर्सल कार्टन को लागू कर दिया है। कृषि विभाग ने बाकायदा इस संबंध में आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दी है। अब यूनिवर्सल कार्टन में सेब बिकेगा, एक कार्टन में करीब 12-20 किलो सेब ही होगा। इससे बागवान बिचौलियों के शोषण से बच सकेंगे। हिमाचल सरकार ने वजन के साथ छोटे बड़े आकार के सेब को लेकर मानक भी तय कर दिए हैं। अधिसूचना के मुताबिक बागवानों को अपने घरों में ही तैयार फसल का वजन कर पेटी पर ना मिटने वाले मार्कर के साथ वजन अंकित करना होगा, लिखना होगा। हालांकि मंडियों में भी मशीन से वजन किया जाएगा। इस कदम से अब सेब बागवान बिचौलियों के शोषण से बच सकेंगे। मामला हिमाचल प्रदेश के एचआरटी से जुड़ा है और ये मामला इसलिए बेहद संवेदनशील है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी की बसों को राज्य की लाइफलाइन कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग पूरी तरह से एचआरटीसी पर निर्भर है। एचआरटीसी की एक बस जो कि धर्मपुर में अचानक उसके पिछले टायर खुल गए और बाल बाल बड़ा हादसा होते हुए टल गया। वहाँ पर काफ़ी सवारियाँ थी, बच्चे थे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जब कार्रवाई की बात आई तो एक
ड्राइवर, उस बस ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया जिस ड्राइवर ने ना केवल उस टायर खुलने वाली बस को नियंत्रित किया, वहां पर सवारियों की जान बचाई, एक बड़ी उदारता दिखाई, साहस दिखाया, कौशल दिखाया, अपनी जान को जोखिम में डालकर पूरी तरह से बस को नियंत्रण में किया और बड़ा हादसा होने से टाला, सवारियों को बचाया। अब HRTC को उस चालक को शाबाशी देने की बजाय, उसको एनकरेज करने की बजाय, उसको उत्साहित करने की बजाय, उसका उत्साह बढ़ाने की बजाय उसे सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद यूनियन पूरी किन्नौर जिला की सड़कें देखी जाए, लाहौल स्पीति की सड़कें देखी जाए, रामपुर से आगे पथरीले सड़क मार्ग देखी जाए, मौत का कफन बांधकर हिमाचल प्रदेश के चालक हिमाचल की सर्पीली सड़कों पर बसों को चलाते हैं, लेकिन उन चालकों को ना तो पूरा ओवरटाइम मिलता है, ना उन्हें समय पर वेतन मिलता है, बदले में मिलता है तो अगर कंडक्टर का एक टिकट गुम हो गया तो उसका सस्पेंशन, अगर टायर फट गया तो ड्राइवर का सस्पेंशन। लेकिन इस बार HRTC के चालकों ने पूरा हिम्मत दिखाते हुए, पूरी दलेरी दिखाते हुए कहा है कि महाराज सस्पेंड करना है तो RM को कीजिए, DM को कीजिए, अफसरों को कीजिए। क्यों? इसके पीछे बड़ी दलील दी है और यहां पर दर्शकों से भी चाहेंगे इस पूरे मामले पर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि HRTC ना ड्राइवरों की है, ना RM की है, ना DM की है। HRTC हिमाचल प्रदेश की लाइफलाइन है, हिमाचल प्रदेश एक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट है, जहां केवल मामूली किराए से लोगों को बस की सुविधा दी जाती है। इसलिए ये दायित्व इसलिए बेहद बनता है, यहाँ पर जब ड्राइवर को सस्पेंड किया गया तो मामला ये सामने आया, इसके पीछे वजह ये बताई गई कि HRTC की एक ऐसी बस जो कि अशोका लेलैंड की थी, लेकिन उसमें टाटा का पुर्जे लगाए गए। चालक यूनियन ने पूरी तरह से ये आरोप लगाया, यूनियन के प्रधान मान सिंह ने कहा कि यहाँ पर सस्पेंड करना है तो अधिकारियों को कीजिए, मैकेनिकल विंग को कीजिए, क्योंकि अशोका लेलैंड की बस में टाटा का यू बोल्ट लगा दिया गया। अब सोचिए, कंपनी की बस थी अशोका लेलैंड की, लेकिन टाटा का यू बोल्ट लगा दिया, टायर तो खुलना था। ये तो आप किसी कार चलाने वाले व्यक्ति को पूछें, साइकिल चलाने वाले व्यक्ति को पूछें, जब अब ए कैटेगरी की चीज में भी कंपनी का पुर्जा कल पुर्जा फिट कर देंगे, टायर तो खुलेगा। अब इसमें चालक की गलती क्या थी? बेहतर होता HRTC प्रबंधन जांच बिठाती, इंक्वायरी करवाती, लेकिन अगर लोगों का गुस्सा शांत करना था तो निर्दोष ड्राइवर को आप सस्पेंड कर दीजिए। सस्पेंशन कर दी गई, लेकिन बार बार सस्पेंशन की सजा भुगतने वाले ड्राइवर कंडक्टर इस बार चुप नहीं बैठे, विरोध प्रदर्शन किया और सरेआम कहा कि अगर आपने सस्पेंड करना है तो मैकेनिकल के विंग को कीजिए, मैकेनिकल के उस अफसर को कीजिए जिसने लेलैंड की बस में टाटा का पुर्जा डाल दिया गया। बसों को ठीक नहीं किया जा रहा है, रखरखाव नहीं किया जा रहा है, मेंटेनेंस नहीं की जा रही है, खटारा बसों पर ड्राइवर कंडक्टर मौत का कफन बांधकर भेजे जा रहे हैं, सवारियों की जान को जोखिम में डालकर भेजा जा रहा है, और सस्पेंड करना है तो आप HRTC के MD को कीजिए, RM को कीजिए, DM को कीजिए, मैकेनिकल के अफसर को कीजिए। हिमाचल प्रदेश के रामपुर का एक ऐसा स्कूल जिसमें 3 टीचर तैनात थे, बच्चों की संख्या 0, एक बच्चा भी वहां पर नहीं था। 59 साल पहले यह स्कूल खुला था और 59 साल बाद यह स्कूल अब बंद कर दिया गया, क्योंकि बच्चा एक भी नहीं था, टीचर वहां पर 3 थे। इस सेक्शन 70 में 0 दाखिला, प्राइमरी में 3, मिडिल में बच गए थे 5 छात्र। 8 किलोमीटर रचौली से पछाड़ा पढ़ने के लिए ये छात्र आते थे। स्थानीय लोगों ने सालों से इस स्कूल को बंद होने से बचाया था, अब फिर बाकी छात्रों को वापस रसौली स्कूल में भेजा गया है। और जो 3 स्कूल उस स्कूल में तैनात थे, जहां पर अब कोई बच्चा नहीं है, कोई स्टूडेंट नहीं है, इन तीनों को अब डेपुटेशन पर भेजने का फरमान जारी कर दिया गया है। इस स्कूल की कहानी के पीछे का पूरा फलसफा समझिए। वर्ष 1965 में रामपुर, शिमला जिला के रामपुर का यह पछाड़ा स्कूल खोला जाता है। 2005 में प्राइमरी से इसे मिडिल अपग्रेड किया जाता है। फिलहाल एक स्कूल बंद होने के बाद, स्कूल के बंद होने के बाद, अब शिक्षा विभाग ने जिलों से रिपोर्ट मांगी है कि आप बताइए हिमाचल प्रदेश के ऐसे कितने स्कूल हैं जहाँ पर कोई बच्चा नहीं है लेकिन टीचर तैनात है। अब ये स्कूल बंद कैसे हुआ, ये कहानी बेहद दिलचस्प है। हिमाचल प्रदेश में जिन स्कूलों पर हम अपना करीब करीब 20-25% बजट खर्च करते हैं, अपना अधिकतर पैसा खर्च करते हैं, चाहे वो अध्यापकों को वेतन हो, स्कूलों में वर्दी देने का मामला हो, मुफ्त बुक्स देने का मामला हो, या फिर तमाम सुविधाओं का मामला हो, माना यह जाता है कि हिमाचल प्रदेश में एक छात्र पर ऑन एन एवरेज 5,000-7,000 रुपए का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार करती है। लेकिन 59 साल पहले खुला यह स्कूल बंद कैसे हुआ, यह समझना हर नागरिक को बेहद जरूरी है। कारण साफ है, विश्वसनीयता कम हो गई है। हमारे अपने स्कूल अध्यापक जो कि टीचर से अपने बच्चों को
प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, हम खुद अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, यानी कि मसला है तो क्रेडिबिलिटी का, विश्वसनीयता का, हम खुद सरकारी तंत्र पर भरोसा नहीं करते, यही वजह कि 59 साल पहले खोला गया स्कूल अब 59 साल बाद बंद हो गया है। इसे लेकर भी आपके कमेंट चाहेंगे, क्या हिमाचल प्रदेश में हमें सरकारी स्कूलों पर भरोसा नहीं है या हमारी शिक्षा प्रणाली में खोट है, क्यों हम प्राइवेट स्कूल की तरफ ताक कर देखते हैं, क्यों खुद टीचर्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, क्यों नेता या तमाम बड़े अधिकारी या कर्मचारी या जो भी लोग हैं समाज के, क्यों हम सरकारी स्कूलों पर भरोसा नहीं करते, इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहेंगे, क्योंकि बड़ा मसला है। 59 साल पहले खुला स्कूल अब जाकर बंद हुआ है, क्योंकि वहां पर कोई माँ बाप अपने बच्चों को भेजने को तैयार नहीं है, माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की। 3 निर्दलीय विधायकों और सीपीएस पर मामला था। सबसे पहले बात करेंगे निर्दलीय विधायकों पर। लगातार 3 दिन सुनवाई चलने के बाद इस मामले को 8 मई तक स्थगित कर दिया गया है, यानी कि अगली सुनवाई अब 8 मई को होगी। हाई कोर्ट में आज 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मंजूर करने के लिए स्पीकर को निर्देश देने वाली याचिका पर दोपहर बाद 4:15 के आसपास सुनवाई शुरू हुई, मगर बहस पूरी होने के बाद अब इसे 8 मई तक टाल दिया गया है, क्योंकि अब सरकारी पक्ष को सुना जाएगा और सरकारी पक्ष सुनने के बाद इस पूरे मामले पर एक बार फिर इस पर सुनवाई होगी। माफ़ कीजिएगा, निर्दलीय विधायकों पर जिस प्रकार से ये पूरा मामला चला था, ये हम सीपीएस की बात कर रहे हैं, लेकिन जो 3 निर्दलीय विधायकों का मामला था जिस पर आज बहस होनी थी, इस ये आज पूरी बहस नहीं हो सकी और इस बहस को कल तक के लिए इस पूरे मामले की सुनवाई टाल दी गई है। अब कल इस पर दोबारा फिर सुनवाई होगी। कल फिर से चीफ जस्टिस एम एस चंद्र राव का बेंच लगेगा, इसमें विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया को कोर्ट के नोटिस का जवाब देना होगा। बताया जा रहा है कि स्पीकर की ओर से सुप्रीम कोर्ट के मशहूर अधिवक्ता कपिल सिब्बल दिल्ली से वर्चुअली जुड़ सकते हैं, यानी निर्दलीय विधायकों के मामले पर कल महत्वपूर्ण दिन होगा। आज इस पर तमाम सुनवाई होनी थी, लेकिन अब यह सुनवाई कल होगी और कल ये तय होगा कि इस मामले में हाई कोर्ट के क्या आदेश पारित होते हैं। सीपीएस मामले की बात की जाए तो इसमें 8 मई की अगली तारीख तय की गई है। लगातार 3 दिन तक सुनवाई चलने के बाद 8 मई को राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी, इसके बाद फैसला आने की संभावना है। मुख्य संसदीय सचिव को मंत्रियों जैसी सुविधा देने पर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। आज डबल बेंच में 3rd दिन भी इसकी सुनवाई जारी रही। अब सभी की निगाहें 8 मई की अगली तारीख पर है, क्योंकि सीपीएस के मामले पर 8 मई को सरकार का पक्ष सुना जाएगा और उसके बाद यह संभावना जताई जा रही है कि इस पर फैसला आ सकता है, जबकि निर्दलियों के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और उसमें हाईकोर्ट का आदेश क्या आता है, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी।